सोनी टीवी के शो पोरस में अब आप देखेंगे कि पूर्व मगध राज्य से मांगेगा हेल्प अलेक्जेंडर के खिलाफ लड़ने के लिए। सोनी टीवी के शो पोरस में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। पोरो रास को सोल्जर्स एक एक करके बीमार पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि अलेक्जेंडर ने वहां पर ऐसे वायरस भेज दिए हैं जिससे सब लोग बीमार पड़ रहे हैं। वहीं सभी सोल्जर्स और उनके परिवार को ऐसे भूख से हेल्पलेस देख कर लाची उन लोगों के लिए गाना गाती है और सबका दिल बहलाती है। वो पूर्व की तरफ इशारा करके कहती है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर होगा। पूर्व अपनी जली हुई फील्ड को देखता है और देखता है कि सब क्रॉप उसके ऊपर जल चुके हैं और देखता है कि क्रॉप की रूट्स अभी तक है। वो सभी सोल्जर्स को कहता है कि माँ कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती और ऐसे ही धरती माँ ने उनके लिए खाना लाई है। वो सब सैनिकों को और उनके परिवार वालों को रूट्स खिलाने लगता है। उधर अलेक्जेंडर शराब के नशे में चूर होता है और ओलंपिया उसे पीने से मना करती है कि अगर उसने ऐसे ही पीता रहा तो पुरुष पर जरूर हमला कर देगा। अलेक्जेंडर हेपेस्टीन को भी वहां से भगा देता है और हेपेस्टीन कहती है कि वो हंसते हंसते अपने राज के लिए जान दे सकता है। ओलंपिया रुखसाना से कहती है कि उसे अलेक्जेंडर को रोकना होगा, नहीं तो वो हार जाएगा। उधर बरसीन अलेक्जेंडर को और शराब पिला रही होती है और सोचती है कि वो अब उसको जान से मार देगी। वो अलेक्जेंडर के करीब आने की कोशिश करती है और इतने में वो बेहोश हो जाता है। बरसीन उसे चाकू से मारने वाली होती है लेकिन वहां पर हेपेस्टीन आ जाता है और वो उसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। बरसीन बोलती है कि वो अलेक्जेंडर का ध्यान रख रही थी। तभी हेपेस्टीन उसके हाथों में चाकू देखता है और वो बरसीन जब पकड़ी जाती है तो वो खुद ही शोर मचा लग जाती है कि हेपेस्टीन अपने राजा को मारने आया था। शो में अब आप देखेंगे कि पुरु और चांदा के बात कर रहे होंगे कि अब उन्हें मगध राज से हेल्प मांगनी होगी अपने सैनिकों को बचाने के लिए और अलेक्जेंडर पर हमला करने के लिए। अब देखते हैं कि क्या मगध राज पुरु की हेल्प करेगा। वेल, शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस।